देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर कल यानी शनिवार को मौसम काफी साफ था। बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो एयर क्वालिटी इंडेक्स भी यहां पर 100 से 150 के करीब था। सिर्फ आनंद विहार का ही जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है कल 300 के करीब था। लेकिन कल यानी देर रात तक जो रावण दहन हुआ, उसके बाद रात 2 बजे तक जो पटाखे दगे हैं, उसके बाद आज दिल्ली में पूरा ही चारों ओर प्रदूषण है। पूरी दिल्ली धुआं धुआं हो गई है। और तो और इंडिया गेट पर इस समय मौजूद हूँ, इंडिया गेट को देख पाना भी काफी मुश्किल है। दिल्ली की जनता और बाहर से घूमने आए टूरिस्ट इस पे क्या कहते हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। साथ ही आपको बता दें कि कल के बाद यानी आज एयर क्वालिटी इंडेक्स पूरे दिल्ली का कहीं पर 200 को पार कर चुका है तो कहीं पर 300। आनंद विहार में 350 के ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स है। यानी आने वाले वक्त में क्या हालात होंगे दिल्ली के, इस पर जब हमने दिल्ली की जनता से बात की और टूरिस्ट से बात की तो उन्होंने क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। बसंती पंत, मैं उत्तराखंड के रहने वाले, रहते दिल्ली में हैं। इसमें जो ये पोल्यूशन है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। इससे आँखों में भी फर्क पड़ा है, आँखों में धुआं जैसा, सांस लेने में दिक्कत और परेशानी होती है। छोटे छोटे बच्चों को देखो, इतनी बीमारियां हो रही है इस धुएँ से। हम बाहर नहीं निकल पाते हैं, आसमान साफ नहीं दिख पाता है और दिक्कत तो बहुत ज़्यादा होती है इससे। उनकी कार्रवाई करनी चाहिए इस पर और उनको इस पर एक्शन लेना चाहिए कि ये जो पुलिस वाले हैं इधर बाहर हैं, ये कैसे मतलब इनको इतनी छूट दे देते हैं, जो दो दो ढाई बजे तक ये लोग मतलब ये पटाखे वगैरह ये चीज़ करवाते हैं। अभी दिवाली आएगी, फिर और मौसम खराब हो। हाँ, ये पहले ही इसमें रोक होनी चाहिए पहले ही, ताकि इतना पोल्यूशन खराब ना हो। ऋतु सहारनपुर से। हाँ जी, लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोहरा आके थोड़ा रुक गया है, ऐसा लग रहा है। और सांस लेने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है, मतलब कि ऐसा लग रहा है जैसे धुआं कहीं से निकल रहा हो, उससे थोड़ी तकलीफ सी हो रही है। बस त्यौहार पे लोग अपनी खुशियां पटाखों के जरिए ही करते हैं कि चलो पटाखे छुड़ा लिए तो इससे ज़्यादा खुशी मान जाती है, पर ऐसा नहीं है। हम लोगों को भी प्रदूषण से बचाना चाहिए इन्वायरमेंट को, और इससे हम लोगों को ही तकलीफ हो रही है। हाँ जी, ऐसा भी है क्योंकि पटाखों को प्रतिबंध लगा दिया, मैम जो है ना, पटाखों पे प्रतिबंध लगाना ठीक नहीं है। वो हिंदुओं के मतलब आस्था का प्रतीक है, मतलब हिंदू लोग जो होते हैं वो इसकी जो है ना मतलब प्रति खुशी जताते हैं, वो जो है ना खुशी मनाते हैं कि हाँ भाई वो मतलब ये हमारा फेस्टिवल आता है हिंदुओं का। हाँ, मतलब जो है ना शगुन के तौर पर करना चाहिए, ये भी नहीं है कि खूब ज़्यादा इसको वो करें। बाकी जो गाड़ियाँ चल रही हैं वैसे भी चल रही, इतना पोल्यूशन होता है, इतनी फैक्ट्रियाँ हैं, तो उस पर भी अगर सरकार ध्यान दे तो अच्छी बात है, उस पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम है मेरे। आर बी पाल। हाँ, बहुत धुआं धुआं आज दिल्ली में। हम स्कूल जाएंगे तो हमें दोबारा से मास्क लगाना पड़ेगा, तो सरकार ध्यान दे। जी, मेरा नाम मोहम्मद अतहर है, मैं दिल्ली से हूँ। आज मौसम थोड़ा क्लाउडी है, नो डाउट, और इसका शायद असर हो आपके, चूँकि कल पटाखे वगैरह कुछ दगे थे तो उस वजह से भी हो सकता है। लेकिन अब धीरे धीरे मौसम क्लाउडी होता जाएगा, क्योंकि जैसा सुना है कि कश्मीर में स्नोफॉल हुई है, तो उस वजह से भी थोड़ी मौसम चेंज होगा। और जी ऑफकोर्स ये पोल्यूशन की वजह से ही है, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितनी कम से कम हम पोल्यूशन करें, सांस लेने में आसानी हो, लोगों के लंग्स बेहतर हों, लोगों की तबीयत ठीक रहे, यही कोशिश करनी चाहिए हम लोगों को सबको। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हम मोहित बंसल, हम चंडीगढ़ से आए हैं। हाँ, हम घूमने आए थे, थोड़ा वॉक वगैरह करने, बट थोड़ी सी सफोकेशन फील हो रही है और बहुत ज़्यादा इरिटेशन भी है। और मैं जैसे कि यहाँ पे कल से आया हूँ तो मुझे कल इवनिंग के बाद से थोड़ा सा कोल्ड भी फील हो रहा है, क्योंकि कल इतने ज़्यादा जो भी हुआ है रावण वगैरह जो हमने सबने किया है पूजा वगैरह, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है और मुझे सफोकेशन भी बड़ी लग रही है। और मेरी कल से ही इवनिंग से ही तबीयत भी मुझे ख़राब लग रही है अपनी। तो हम सुबह सोचा कि चल इंडिया गेट जाएंगे, फ्रेशनेस जो है, फ्रेश एयर वगैरह लेंगे, बट यहाँ पे आके भी वो थोड़ी पोल्यूशन और स्मोक टाइप एरिया, जैसे आप देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा अजीब सा मौसम हो रहा है, बिल्कुल भी फ्रेशनेस नहीं फील हो रही है। मैम, बस यही है कि जिम्मेदारियाँ तो हम सबकी ही बनती है, बट हर चीज़ करनी भी ज़रूरी है, फेस्टिवल वगैरह सब चीज़ें, बट अकॉर्डिंगली ये है कि हमें कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना चाहिए। कुछ चीज़ें हम
छोटे स्केल पे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि भाई ठीक है कहीं और कहते हैं कि नहीं हमें तो करना ही है बहुत ज़रूरी है, बट हम मेरा ऐसा मानना है कि हम छोटे स्केल पे भी वो चीज़ें कर सकते हैं। कल सब जगह इतना जाम था, इतना ज़्यादा रश था, मतलब जो इनफैक्ट हमने कल कुछ ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था घर पे, तो अच्छे से ब्रेड्स या दूध वगैरह, तो वो भी कह रहा था कि भैया मैं यहाँ पे पौने घंटे में पहुँचा हूँ, इतना जाम है। तो मतलब हर तरीके की जो डेली वेजेस के लोग हैं उनको इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बट वो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज होता ही है इन चीज़ों से। रविवार सुबह दिल्ली धुएं और प्रदूषण की चादर में ढकी हुई थी। बड़ी वजह है कि शनिवार रात को पटाखे जलाए गए और रावण दहन किया गया, और ये सब दिल्ली सरकार के पटाखों को बैन करने के बाद का हाल है। सरकार के आदेश में कहा गया था कि जनवरी 2025 तक पटाखे न खरीदे जाएंगे और न बेचे जाएंगे, हालांकि इसका कोई असर नजर नहीं आया। ऐसे में रविवार को मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ा। शनिवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 150 से 200 के बीच था, लेकिन रविवार को ये 277 से 356 तक पहुंच गया, जो सेहत के लिए बेहद हानिकारक है।